हेलो, कैसे हो? अच्छे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में होंगे। आज एक स्टूडेंट का डाउट है, एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और उससे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है, किसी ने हमको सेंड करा है। आज हम वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है फंडामेंटल, उसमें टॉपिक पढ़ना है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ गारंटी, मतलब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट फॉर पार्टनर। मतलब ऐसा समझो कि जब हम किसी पार्टनर को अपने फर्म में लाते हैं, तो हमें हम उनको कुछ गारंटी दे बैठते हैं कि नहीं, हम आपको साल भर में इतना प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उन्हें उतना देना पड़ता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर नजर पड़ रहा होगा आपको, जब वीडियो आप देखेंगे तो अब ध्यान से पढ़ना। पहले क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ क्या है। लिख रहा है कि सॉरी यार, ये तो पूरा गंदा हो जा रहा है। चलो पेन ही यूज करते हैं, थोड़ा मोटा ले लेते हैं। राम राज जॉर्ज पार्टनर है। प्रॉफिट रेशियो कितना है? 5:3:2। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ और जॉर्ज को ये गारंटी दे दिया गया कि उन्हें प्रॉफिट पर ईयर हर हाल में कितना होगा? 10,000। क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पार्टनर है राम राज एंड जॉर्ज, इनका रेशियो जो गिवन है क्वेश्चन में, वो रेशियो है 5:3:2। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यहां पर जॉर्ज को गारंटी दे दिया गया कि आपको 10,000 एवरी ईयर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है। आगे बोल रहा था कि नेट प्रॉफिट जो होता है 2006 का, वो 40,000 है। हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है, ये ध्यान में रखते हुए कि जॉर्ज को 10,000 से कम ना मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। कुछ खास नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन, एकदम माइनर क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। क्वेश्चन में कोई डेट तो है नहीं हमारे पास, यहां पर नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स यहाँ रहेगा, अमाउंट यहाँ रहेगा, अमाउंट। क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन है ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस वो 40,000 है।
अब ये 40,000 कुछ तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन कुछ है नहीं, तो सीधा ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राम रास और जोर्स के बीच बढ़ जाएगा 532 में। अब इसका एक वर्किंग नोट करते हैं, हम ऊपर में कर देते हैं इसका वर्किंग नोट, एक ही वर्किंग नोट होगा इसमें। प्रॉफिट कितना है, रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5:3:2। तो राम का हिस्सा कितना हो गया, 40,000 5/10 20,000। राज का अगर हिस्सा की मैं बात करूं 40,000 3/10 तो 12,000। अब मैं जोर्स की अगर बात करूं जैसे ही आपने ये देखा कि जॉर्ज का 8,000 हिस्सा निकला, आपको ये गारंटी वाली अमाउंट क्यूटली आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि यहां पर राम जॉर्ज को और राज भी जॉर्ज को गारंटी दे रखे हैं आपको 10,000 मिलेगा। सवाल यह है कि अगर जॉर्ज को 8,000 रुपए मिला प्रॉफिट में हिस्सा, तो 2,000 रुपए उसकी कम हो गए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक और वर्किंग नोट आपको करके दिखाऊं, एक काम करता हूं मैं, पहले ये क्वेश्चन को हटा देता हूं, इसका हमें कोई यूज नहीं लग रहा है। यहां से लिख देता हूं सॉल्यूशन, अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 स्टार्ट करूं तो हम यहां पर लिखेंगे डेफिसिट अमाउंट जॉर्ज, उन्हें गारंटी में उनका फिक्स्ड अमाउंट कितना था जो गारंटी के तौर पे उन्हें देने का वादा किया गया था, 10,000। एक्चुअली वो उनको कितना मिला, एक्चुअल रिसिप्ट कितना हुआ, 8,000। तो कितना का डेफिसिट निकला, 2,000 जॉर्ज से कम हो गया। अब जॉर्ज ये 2,000 अमाउंट, अब मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 कर दे रहा हूँ, जोर्स ये अमाउंट किससे किससे मांगेगा, तो राम और राज से। क्वेश्चन में तो कोई दिया ही नहीं है कि जब भी कोई डेफिसिट होगा तो राम और राज कैसे उसको भरेंगे, कौन से रेशियो में, कौन से हिसाब से। मतलब 2,000 अगर कम पड़ा जॉर्ज को तो 2,000 कौन देगा, राम और राज सबको पता है।
बट कैसे देगा, कौन से रेशियो में देगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो कुछ नहीं अगर यहाँ पर दिया है कि नेट प्रॉफिट कैसे, मतलब डेफिसिट अमाउंट, खासकर ये 2011 में बात करूँ यहाँ पर, ये डेफिसिट अमाउंट ये जो डेफिसिट अमाउंट 2000 है ना, इससे राम और राज भरें। अब कुछ नहीं बोला है तो फिर इन्हें अपने रेशियो में भरने पड़ेंगे 5:3, क्योंकि 2 जो लास्ट रेशियो है वो तो जॉर्ज का है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं 2000 5/8, 2000 3/8, तो कितना हो जाए, कटेगा। अगर मैं काटना चाहूँ I8 को तो कटेगा 2 × 4 = 8, इसको काटना चाहूँ तो कटेगा 500 × 4 2000, काटूँ तो कितना से कट जाएगा 250, 250 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 1250। इस डेफिसिट अमाउंट में राम का हिस्सा कितना है 1250। उसी तरह इनका चेक करो तो ये कट जाएंगे 250 से 250, और मल्टीपल 3 करेंगे तो 750। इस 750 में किसका है, 2000 का डेफिसिट अमाउंट में 750 किसका है, राज का है। अब जो भी अमाउंट यहाँ पर मिला हुआ है राम को 2000, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा 1250। यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलूं कि राम का अमाउंट 1 होने वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, 2000 में से 1250, सॉरी 20000 था ना, 20000 की प्रॉफिट जो राम को मिली है उसमें से 1250 लेस कर देंगे तो राम का अमाउंट आएगा 1850। अगर मैं राज की बात करूं तो राज 1200 में 750 घटाएगा तो राज के वैल्यू 11250 हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जॉर्ज का। जॉर्ज को 8000 रुपये एक्चुअली में मिला था और 2000 रुपये उन्हें कौन दिया, राम और राज ने। तो टोटल अमाउंट कितने हो गए 10000 जॉर्ज का, जो मिनिमम रकम था, जो गारंटी गई थी वो अमाउंट पे कर दिया गया। दोनों साइड से घर कितने से बंद हो जाएंगे 40000, इधर भी घर बंद हो जाएगा 40000 से। अब जाके ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और आपके सामने आंसर है 18750, 11250 और मिनिमम 10000। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक किसी स्टूडेंट के डाउट का मैं, मतलब दरअसल कोई डाउट सेशन है, किसी ने क्वेश्चन में डाला था इसमें कुछ डाउट है मुझे सॉल्व करके दे दो, तो ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक और क्वेश्चन है 9 नंबर, आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन चलेगा, सिंगल सिंगल वीडियो के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, खासकर जो बच्चा हमसे पूछा वो एकदम क्लियर समझ जाएगा कि पार्टनर को गारंटी दी जाती है और जो रकम घट जाती है वो दूसरे पार्टनर से लेता है। बट सवाल है कि सर अगर उनका ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तो, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा आ जाए तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि वो मिनिमम रकम का मतलब है उतना देना ही देना है, घट गया तो बाकी पार्टनर को देने पड़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह 5 क्वेश्चन है टोटल, हमें डाउट उस बच्चे के द्वारा दिया गया है, जिसे हम धीरे धीरे सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन का एक वीडियो बना के हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। जो पढ़ रहे होंगे या जिनको 12th एग्जाम लिखना होगा या जो अभी करेंटली 12th पढ़ रहे होंगे, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ये गारंटी दे दी जाती है कि तुम्हें इतना रुपये मिलेगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लोगों को बताएं। जैसे एनडी का फंडा है, नीरज दुबे का फंडा है, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हर पर्टिकुलर चीज हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे और कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों से अब मैं विदा लेता हूँ, ये वीडियो यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। बाय बाय।